22 अप्रैल से हमें कलर्स टीवी पर एक बिल्कुल नया शो देखने को मिल रहा है। शो का नाम है लक्ष्मी नारायण सुख समर्थ संतुलन। इस शो में फिर से एक बिल्कुल नया एंट्री होने वाली है। खबर ये निकल कर आई है इस शो में सोनी टीवी के शो हम रहे ना रहे फेम एक्टर आभास मेहता इस शो में एंट्री कर चुके हैं। वो इस शो में हमें जे के रोल में देखने को मिलेंगे, ऐसे खबरें हैं। एज पर द सोर्सेस हम रहे ना रहे हम एक्टर आभास मेहता हैज एंटर्ड द शो एस जे। तो इस शो में आने वाले एपिसोड में हमें बिल्कुल नया ट्रैक देखने को मिलेगा। इस शो में हमें मेन लीड्स के तौर पर देखने को मिल रही है श्रीकांत द्विवेदी। इस शो में हमें भगवान विष्णु के रोल में श्रीविया पठानिया, इस शो में हमें गोदेश लक्ष्मी के रोल में अंशुल बामी, इस शो में हमें शेषनाग के रोल में शिवशक्ति तापत्या तांडव के सभी किरदार इस शो में हमें देखने को मिल रही है। ये शो हमें रात के 10 बजे देखने को मिलता है और इस शो का ओपनिंग टीआरपी 0.9 निकल कर आया था और इस शो का लास्ट वीक टीआरपी 0.8 निकल कर आया है 10 बजे के टाइम स्लॉट पर। इस शो का जो टीआरपी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इस शो से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि टीआरपी 1+ निकल कर आएगा, क्योंकि शो की जो प्रेजेंटेशन है कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर इस शो का टाइम स्लॉट ठीक दिया जाता तो शो का टीआरपी काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल कर आ सकता था। फैंस ने मेकर्स से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया था शो का जो टाइम स्लॉट है उसको चेंज किया जाए। लास्ट वीक ये शो BRC की टॉप 30 की लिस्ट में नंबर 21 के पोजीशन पर है। तो क्या आप देखते हैं लक्ष्मी नारायण, आपको कहानी कैसी लगती है आप कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।